अगर आप भी जीएसटी में एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है तो आज की वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा जीएसटी आर वन की नील रिटर्न फाइलिंग एसएमएस के थ्रू कैसे करें बिना पोर्टल लॉगिन किए। पोर्टल लॉगिन करके हम नील रिटर्न फाइलिंग करना तो पता ही हमें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 2 से 3, 5, 6 मिनट लग जाते हैं। लेकिन मैं एसएमएस से बताता हूँ कैसे फाइल करनी है आपको। मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगेंगे आपको ये पूरा प्रोसेस करने में और आपकी तुरंत जीएसटीआर रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ आपको कैसे करना है। इसमें दोनों को बताऊंगा, मंथली वालों को कैसे करनी है, क्वार्टरली वालों को कैसे करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल से ना 1440 9 मतलब 14409 पे एक एसएमएस टाइप करना है, नील आर वन कैपिटल में जैसा आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है ऐसे ही टाइप करना है और अपना 15 डिजिट का जीएसटी नंबर लिख देना। उसके बाद अगर आप मंथली फाइल कर रहे हैं तो जिस भी मंथ की फाइल कर रहे हैं उस मंथ का मैटर लिखना है। जैसे मान लीजिए हम अप्रैल की कर रहे हैं तो 04/2020, तो ये हमारा हो गया मतलब अप्रैल मंथ का कर रहे हैं और ईयर हमारा 2020 का फाइलिंग कर रहे हैं, तो ये फॉर्मेट रहेगा हमारा मंथली वालों के लिए। अब मान लीजिए आप क्वार्टरली है तो क्वार्टरली कैसे फाइल करनी है हमको। अब हमारा पहला क्वार्टर कब एंड होता है, अप्रैल मई जून, तो हमारा 6 महीने पे हमारा एक क्वार्टर ख़त्म हो रहा है, तो हमको जुलाई में हम जून तक की रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटी आर वन। तो उसमें हमको क्या करना है, वहाँ पे फाइल उसके लिए हमें एसएमएस टाइप करना है नील आर वन, वही सेम अपना जीएसटी नंबर और हमको क्वार्टर एंड का अपना जीएसटी का क्वार्टरली एंड जो भी हमारा मंथ है जून, तो 06/2020 ऐसे टाइप कर देना, ये मैटर टाइप करना है। तो सिंपली आपको मैसेज जो टाइप करना है इन फॉर्मेट में टाइप करना है। उसके बाद जब इस मैसेज को आप सेंड कर देंगे, सेंड करने के बाद आपको जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, कोड आएगा, उसको दोबारा से आपको रीसेंड करना है। वो कैसे सेंड करना है, आपको फिर से उसी नंबर पर सेंड करना है 14409 पे CNF स्पेस R1 लिख के और जो भी आपके पास कोड आया वो आप टाइप करके SMS कर देंगे। ये SMS करने के बाद आपके पास तुरंत एक SMS आ जाएगा, योर रिटर्न फाइलिंग है सक्सेसफुल्ली, और आपके पास आपका ARN नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना GSTR1 रिटर्न फाइलिंग नील के कर सकते हैं विदाउट पोर्टल पे लॉगिन किए। और बाकी आपको जानना है कि GSTR3V की नील रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है, GSTR1 और GSTR3V कि अगर हमारी सेल परचेज है तो वो कैसे रिटर्न फाइलिंग करें, तो आई बटन पे आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख के अपनी रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।